अपने राम के स्वागत के लिए पूरी रामनगरी सज गई है। 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होने जा रहे हैं। प्रभु राम के विराजमान होने से पहले 108 फीट की लंबी अगरबत्ती गुजरात से अयोध्या पहुंच गई है और इस अगरबत्ती की सुगंध भी अब अयोध्यावासी ले रहे हैं। आज अयोध्या धाम बस स्टेशन पर राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने इस अगरबत्ती को प्रज्वलित किया है। गुजरात से अयोध्या पहुंची अगरबत्ती की लंबाई 108 फीट की है। इसको लाने में लगभग 9 दिन का वक्त भी लगा है। हालांकि आपको बताते चलें, सुरक्षा की दृष्टि से इस अगरबत्ती को राम जन्मभूमि परिसर में नहीं ले जाने की अनुमति मिली, लेकिन रामलला के विराजमान होने के पहले 7 दिवसीय महानुष्ठान भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही इस अगरबत्ती को प्रज्वलित कर दिया गया है ताकि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को का एक तरफ जहां यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है तो वहीं इस अगरबत्ती की खुशबू भी अयोध्या को महकाएगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए देश भर से तरह तरह के विभिन्न उपहार अयोध्या पहुँच रहे हैं। मंगलवार को गुजरात प्रदेश के बड़ौदा जिले से 108 फीट की लंबी और 610 किलो की धूप बत्ती अयोध्या पहुंची है। धूप बत्ती को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने अग्नि स्पर्श कराया तो अगरबत्ती ने आसपास का वातावरण सुगंधित कर दिया। धूप बत्ती के साथ ही 300 किलोग्राम देसी घी भी आई है जो समय समय पर इस धूप बत्ती पर जलाई जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि धूप बत्ती 40 दिनों तक लगातार वातावरण को सुगंधित करती रहेगी। परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके कर कमलों के द्वारा बड़ोदरा से लाई गई इस धूप बत्ती का जो है इसको जलाया गया है। आज ये आज यहाँ पर सुलगना शुरू हो गई है और लगातार ये जैसी जानकारी प्राप्त हुई कि 40 दिनों तक जो है इसी प्रकार से ये जलती रहेगी। तो ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहीं पर जो है भिन्न भिन्न प्रकार से लोग देश से अपने उपहार अपना समर्पण समर्पित करते जा रहे हैं। आज यहाँ पर यह जो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, यहाँ पर चूंकि इतनी लंबी धूप बत्ती परिसर में नहीं जा सकती थी तो स्वयं जो है पूज्य महंत जी यहाँ पर पधारे, उन्होंने इसको प्रज्वलित किया। तो ये एक बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि वह स्वयं चल कर आए और उन्होंने भक्तों के मान को रखा कि इतनी दूर से जाने वाले जो लोग हैं वो कितनी कठिनाइयों के उपरांत यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने ये समर्पण भगवान श्री राम लला के चरणों में किया। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम वहाँ पर जाकर इसको प्रज्वलित करें।